यहाँ का क्राउड आप देख सकते हो गाइस। तो आप सोच लो कि विजय भाई का चाय कैसा होगा, ठीक है। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी रात का बज रहा है 12:30 और अभी जा रहे हैं हम लोग धनबाद चाय पीने के लिए। एंड अभी मैं हूँ ए ब्लॉक पे और ए ब्लॉक जैसा कि लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा है, तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो सब कुछ खाली हो गया, जितने भी यहाँ पे शॉप वगैरह लगे थे सब कुछ हो गया ख़त्म। तो बेसिकली अभी हम लोग पार करने वाले हैं वासेपुर, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। एंड जाएंगे हम लोग चाय पीने के लिए और मेरे साथ अभी आप देख सकते हैं साथ में अरविंद भैया। ए अरविंद भैया, इधर इधर अरविंद भैया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हैं संतोष भैया, ठीक है। तो चलिए अभी ब्लॉग में बने रहें, वहाँ पे जाकर के शूट करेंगे और साथ ही साथ अभी वासेपुर से पार करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा हमारा आरा मोड़ वासेपुर का ओवर ब्रिज। एंड बहुत ही ज़्यादा सुनसान है आगे और पीछे सब तरफ से, मैं दिखा दे रहा हूँ। और अभी अरविंद भैया ड्राइव कर रहे हैं, तो अरविंद भैया को भी मैं दिखा देता हूँ। तो कैसा लग रहा है अरविंद भैया, डर टाइप का कुछ लग रहा है क्या? नहीं भाई, दुर्गा पूजा का टाइम है, डरना क्या है। हाँ, तो आज का जो ट्रीट रहेगा हमारा चाय का वो रहेगा अरविंद भैया की तरफ से। और बेसिकली हमेशा ही संतोष भैया और अरविंद भैया ही खर्चा करते हैं, मैं थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हो रात का बज रहा है 12:20 और अभी हम लोग हैं मुगल दरबार के पास। तो मुगल दरबार बेसिकली खुला हुआ है और अब हम लोग को जाना है आपका धनबाद स्टेशन, है ना। वहाँ पे आपका क्या नाम है चाय की दुकान का? विजय। हाँ, विजय। विजय, तो चलिए देखते हैं कि विजय भाई का चाय कैसा है। अगर चाय हम लोग को अच्छा लगा तो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा और लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग भी आकर के एक बार ट्राई जरूर करना गाइस, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग रांगाताड़ पहुंच चुके हैं गाइस, ठीक है। और रांगाताड़ का 12:30 का माहौल गाइस आप देख सकते हो। तो क्योंकि आज जो लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा है, तो ऑब्वियसली से बात है कि ये जो आपका माहौल होगा तो अच्छा ही होगा। चाय दुकान अभी हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं धनबाद स्टेशन। एंड ये रहा हमारा फ्लैग। यहाँ का क्राउड आप देख सकते हो गाइस। तो आप सोच लो कि विजय भाई का चाय कैसा होगा, ठीक है। तो पहुंच चुके हैं विजय चाय दुकान, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और आप देख सकते हो यहाँ का क्राउड बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको विजय चाय दुकान। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? और ये रहा विजय भाई का चाय दुकान, चाय और सिनेमैटिक्स के थ्रू तो मैंने आप लोगों को दिखाया। और जैसा कि आप लोकेशन देख सकते हो गाइस, ये रहा हमारा धनबाद स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग हैं। और विजय भाई का चाय जो दुकान है वो रहा आगे में। तो चलिए चाय पीते हैं और चाय पी करके आप लोगों को बताते हैं। और साथ ही साथ गाइस अगर आप लोग को यहाँ आना होगा तो धनबाद स्टेशन के तरफ से एकदम आप फ्रंट साइड में आप आओगे तो आपको विजय चाय दुकान जो आपको दिख जाएगा। और जैसा कि आप लोकेशन आप देख सकते हो, ये रहा हमारा इधर में और पीछे में है आपका धनबाद स्टेशन, जस्ट फ्लैग के पीछे हमारा इंडिया का फ्लैग। दुकान का जस्ट पीछे में पान खा रहे हैं, मीठा पान, और पान खिलाने वाले भैया जो हैं ये रहे, ठीक है। और अरविंद भैया खिला रहे हैं पान, तो पान बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, मीठा पान। तो सिनेमैटिक्स के थ्रू मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप देखो। और पान बहुत ही मस्त लगता है यहाँ का। तो जब भी आप विजय चाय दुकान आओगे चाय पीने के लिए, तो उसके बगल वाले शॉप में आप पान भी ज़रूर खाना, ठीक है। तो
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और तो अरविंद भैया थैंक यू, ठीक है। तो विजय भाई का चाय के लिए सबको जरूर आना, और अगर कुछ दिक्कत होता है तो मैं अरविंद भैया का नंबर भी मेंशन कर दूंगा, उन्हें कॉल जरूर करना। और हाँ, साथ ही साथ गाइस मैं एक बात बताने वाला हूँ कि इनका खुद का एक शॉप है जिसमें कि ये बॉयज लोग का आपका मेंस वेयर, जिसमें कि कपड़ा वगैरह जींस सब कुछ रहता है। तो उस पर भी मैं एक दिन ब्लॉग बनाने वाला हूँ अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो बहुत ही चीपेस्ट एंड बेस्ट प्राइस पे आप लोग मतलब कि वहाँ कपड़ा बेचते हैं। तो चलिए आप लोगों को वहाँ पे एक दिन ब्लॉग वहाँ पे भी। गाइस चाय वगैरह सब कुछ हो गया है कम्प्लीट, और पान वान भी सब कुछ खा लिए हैं, ठीक है। एंड फाइनली अभी जो टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है भैया? एक बजने में मात्र 6 मिनट बाकी है, ठीक है। और जो विजय भाई का चाय था वो माता है और 5 का आता है, और उसका बगल वाला जो पान था वो करीबन 10 रुपये का आता है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ अगर आते हो तो विजय का चाय और पान जरूर चेक करना भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने एक बार आपको लोकेशन दिखाया, और फिर भी एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।